हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं, जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय इतिहास जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर इंक्लूड किए, हम सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। बाकी यहाँ से जो जितना भी कंटेंट लिए हूँ, छांट छांट के क्वेश्चन को लाया हूँ, जो अक्सर यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और आप बता दूँ, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अपना स्कोर कार्ड, अपना जो कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताया करिए, ताकि आपके स्कोर कितना आ रहा है, आपका तैयारी कहाँ तक हो रही है, आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय जो हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1932। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 1932 ऐसे करके मोबाइल नंबर जैसे आप याद करेंगे तो बेसिकली आपको याद हो जाएगा। तो 1932 में अखिल भारतीय जो हरिजन जो संघ है, इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा इसको स्थापना किया था, याद रखिए, तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा, एमजी लिख दिया हूँ, तो महात्मा गांधी जी द्वारा आपके 1932 में इन्होंने की थी। इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, कौन से शहर में, इसकी स्थापना आपके दिल्ली शहर में इसकी स्थापना किया गया। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गया है, तो नाम पूछे तो महात्मा गांधी, कौन से सन पूछा तो 1932 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, कहाँ पे इसकी स्थापना किया था, तो आपके दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे एक सिपाही थे, कहाँ के सिपाही थे, रॉयल गोरखा राइफल के, या आपके 34वीं, या आपके बंगाल मूल निवासी इन्फैक्ट्री के, या आपके सिख रेजिमेंट के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मंगल पांडे थे, जाने माने क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने जो आपके जो 34वीं जो बंगाल नेटू जो इन्फैक्ट्री में, या आपके सिपाही थे, या आपके, तो याद रखिए 34वीं बंगाल मूल निवासी इन्फैक्ट्री के एक सिपाही थे। और जो आपके रॉयल जो गोरखा है, जिसे RGR कहा जाते हैं, रॉयल गोरखा राइफल्स कहते हैं, तो आपके जो ब्रिटिश जो आर्मी राइफल रेजिमेंट में गोरखाओं के ब्रिगेड का हिस्सा थे, जिसको याद रखिएगा। तो मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो ये आपके सिपाही थे आपके 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री के, ये आपके सिपाही थे, याद रखिएगा। और 1757 में इन्होंने वहाँ सेना के मूल मतलब ये कि इनके मतलब सिपाही थे, कहने का मतलब है 1757 के, तो इसको याद रखिएगा। और 1857 की जो भारतीय जो विद्रोह हुआ था, इसी घटनाओं का महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन भी रिपीट, जितना भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किए उसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं मतलब कहीं से भी उठा के आपको बताया, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बनाता हूँ मैं, आपके बेनिफिट के लिए बताता हूँ। कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम का पेपर हो। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, बाबर और लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, मुगल और ब्रिटिश के बीच, या अकबर और लोदी के बीच। तो इसके करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही आपका लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो पानीपत के जो लड़ाई हुई थी किसके बीच के बीच, तो ये पता चल गया बाबर और लोदी के बीच, कौन से सन में हो, कभी कभी एग्जाम में आपका डेट भी पूछा जाता है, तो 21 अप्रैल 1526, याद रखिए 21 अप्रैल 1526 को आपके ये दोनों सेनाओं के, बाबर की सेना और इब्राहिम के, लगभग 1,00,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को इसको हराया गया था, जिसको याद रखें। तो पानीपत के जो पहली लड़ाई भारत की आपके जय लोधी वंश को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है आपके किसके किसके बीच लड़ी गई थी, बाबर और लोधी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, मुगल और ब्रिटिश के बीच, या अकबर और लोधी के बीच। तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर
1556 डेट को भी याद रखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, पहले बार देख रहे होंगे तो इसको रिवाइज भी कीजिएगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें आपका किसके किसके बीच हुआ, ये आपके अकबर और आपके हेमू के बीच हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो पानीपत जो भारत के हरियाणा में आता है, जिसके बाद अकबर की इसमें विजय हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास के संस्थापक कौन थे, तो फ्रांसिस्टी दिवस, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड या रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो करेक्ट आंसर, तो जो फ्रांसिस डे थे, याद रखिए मद्रास जो आपके चेन्नई में आता है, इसके संस्थापक फ्रांसिस डे को कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये आपका दिवस है, तो ये आपका डे दिवस सेमी है, तो जो फ्रांसिस जो दिवस है, ये मद्रास के संस्थापक इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। और इनके बारे में मैं बताऊं, जो फ्रांसिस डे जो डेट है, ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक प्रशासक के रूप में ये काम करते थे, जो आपके मसूलीपट्टनम के कंपनी के कारखाने में आपके के इन्होंने कार्य किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो कबीर जी, कालिदास जी, या आपके रविदास या जयदेव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका गीत गोविंद इसके जो लेखक है आपके जयदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, तो आपके रविदास जी की आपके गीत गोविंद के लेखक हैं, तो इसको याद रखिए। आपके रेलवे वगैरह SSC में बहुत बार क्वेश्चन आपका जो गीत गोविंद जो बुक है, इसके बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूँ। गीत गोविंद के जो लेखक आपके जयदेव हैं, ये तो पता हो गया, ये लगभग 12वीं शताब्दी के, याद रखिए, 12वीं जो शताब्दी के जो हमारे जो भारतीय आपके कवि थे गीत गोविंद जी, और इस पुस्तक में जो वृंदावन में जो कृष्ण भगवान की गोपी और राधा के बीच संबंधों के इसमें वर्णन किया गया है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कौन से सन में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1762 में, 1764 में, या आपका 1768 में, या आपके 1772 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो बक्सर के युद्ध आपके 1764 में, याद रखिएगा। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपके 1764 में, बक्सर नगर के आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुंड्रो और मुगल तथा आपके नवाबों के सेनाओं के बीच आपके लड़ा गया था, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन हमारे, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था, 1893 में, 1895 में, 1897 में, 1899। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपके अमेरिका के जो शिकागो शहर में ये आपका विश्व धर्म सम्मेलन था, जिसमें विवेकानंद ने यहाँ पे उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी, और यहाँ पे जो अमेरिका के लोग थे उनको, मतलब मेरे भाई, उनको संबोधन किया गया था, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में मति ज्ञान का इसका क्या अर्थ बताया गया, तो समेती जो अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारण करना है, शास्त्रों द्वारा प्रकट ज्ञान है, या आपके भेदल धारणा है, या आपका टेलीपैथिक ज्ञान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जैन धर्म में जो मति ज्ञान का क्या अर्थ बताया गया है, तो वह आपके संवेदी अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारण करना है। इसको आसान भाषा में बताऊं तो आपके जो इंद्रिय वगैरह हैं, और साथ ही साथ जो मन के द्वारा जो पदार्थों का जो बोध होता है, ये आपको उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो मन आपके मन में जो चल रहे जो भाव उत्पन्न होता है, यही आपके इसका अर्थ है, जो आपके जिसमें आपका मर्यादा वगैरह यहाँ पे, मतलब या खुद से जो मन में, मतलब आपका जो भाव प्रकट होता है, इसमें कहने का वही मतलब है। यहाँ पे कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, याद रखिए जैन धर्म के जो संस्थापक, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपके जो जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लगभग 6वीं शताब्दी में भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा, और अंतिम भगवान महावीर थे, तो इसको भी याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल कहाँ से था, मतलब मौर्य जो कार्यकाल कौन से सन को माना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर आपके 185 जो ईसा पूर्व है, ये आपका मौर्य काल से संबंधित है। आपके वर्तमान में जो आपके जो मगध यहाँ की राजधानी थी, आज आपके बिहार में बंगाल से आपका शुरू होता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी वर्तमान में जो मौर्य काल के जो स्थापना किसको द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की, मतलब किया गया था, मतलब इनके द्वारा राज्य साम्राज्य का विस्तार किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसको याद रखिए, राजधानी भी बहुत बार पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातक से जुड़े पवित्र ग्रंथ, याद रखिएगा जातक से जो जुड़े पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, या आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो। तो जातक से जुड़े जो पवित्र जो ग्रंथ माना जाता है, आपके बौद्ध ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें आपके बौद्ध ग्रंथ में आपका त्रिपिटक या आपके त्रिपिटक, इनके बारे में बताया गया है, कथा जो भगवान बुद्ध की कथा वगैरह इसमें बताया गया है, और त्रिरत्न के बारे में, त्रिपिटक धर्म के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चंद्रगुप्त ने अंतिम जो नंद शासक को पद्युचित किया था, उसका नाम था आपका, क्या नाम था उनका, घरानंद, ज्ञानानंद, दीखानंद या आपका रेहोनंद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आपके घनानंद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपके आपके अंतिम शासक किनको, घनानंद था, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था, या इसको सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपके सन्निधाता को, अशोक को, हिमसरा को या आपके बिंदु, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सन्निधाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त आपके इनके द्वारा सफल हुआ था, चंद्रगुप्त जो सम्राट जो चंद्रगुप्त है, या आपके भारत के जो यूनानी शासक जो सेल्यूकस जो निकेटर को इनको पराजित किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश का था, मतलब शुंग वंश का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 185 ईसा पूर्व से लगभग 73 ईसा पूर्व तक, यहाँ पे जो शुंग राजवंश, यहाँ पे एक भारत के प्राचीन राजवंश इसको माना जाता है, और मौर्य राजवंश के बाद आपका या आपका लगभग भारत में 185-73 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक कौन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, याद रखिए PS लिख दिया हूँ, तो पुष्यमित्र जो शुंग थे इसके संस्थापक कहा जाता है, और आपके 185 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन स्टार्ट किया था, और जो मौर्य शासक बृहद्रथ की जो हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कण्व वंश, याद रखिए कण्व वंश का जो शासनकाल कब से कब तक रहा था, कण्व वंश का 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व से आपका 26 ईसा पूर्व, या 73 ईसा पूर्व से 25। तो यहाँ पे जो कण्व वंश के, पहले बता दूँ कण्व वंश के जो पहला शासक कौन था, तो इसमें वासुदेव था, याद रखिएगा, कण्व वंश के संस्थापक या पहला शासक वासुदेव था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके शुंग वंश के जो अंतिम शासक जो देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर या फिर सत्ता प्राप्त की, और कण्व वंश की यहाँ पे स्थापना की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक, इनका जो शासनकाल है लगभग 73 ईसा पूर्व से लेकर आपका 28 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था, याद रखिएगा। और राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।